विवाह जहां सुख का अभिप्राय है वहां दुख मिलने लगे, विवाह जहां सुख बढ़ाने की चीज है वहां दुख देने लग जाए, जीवन साथी कष्ट प्रिय हो जाए, शादी के बाद जीवन नरकतुल्य लगने लग जाए, शादी के बाद कुछ भी करने के बाद आपकी परिस्थितियां विषम हो जाए, शादी के पश्चात आप चाह कर भी मुस्कुरा न सके, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान करने में कुछ धनिया के बीज आपकी मदद कर सकते हैं। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा संगम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार को दिलाने के लिए एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसे पूरी तरह से ठीक करने का अद्भुत साधन है लव विद एस्ट्रोलॉजी में। यहां पिछले 20 सालों में लगातार निरंतर हर बार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। ये श्रृंखला कंटिन्यू जारी रखी गई है। हमारे का सक्सेस रेट 95% प्लस है। हम निरंतर सक्सेस रेट को बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि एक दिन हम अपने वीडियो में टोटली जीरो डिसलाइक करवाएं। उस दिन का हमें इंतजार है। हम उस श्रृंखला में काफी आगे बढ़ चुके हैं। 35-40% डिसलाइक हमने कम कराए हैं। इन द सेंस हमने अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव किया है, हमने और ताकत लगाई है, हमने और साधना बल बढ़ाया है। आज हम कह रहे हैं कि आपकी अपनी लाइफ में धनिया के कुछ बीज चमत्कार करा सकते हैं। धनिया के कुछ बीज आपके अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। धनिया के कुछ बीज आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी दाम्पत्य लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी शादीशुदा जीवन को ठीक कर सकते हैं। शादी के बाद सुख की शुरुआत होती है। शादी के बाद दो दिल एक हो जाते हैं। शादी के बाद दो परिवारों में खुशनुमा माहौल बढ़ जाता है। शादी के बाद आपकी अपनी चीजें किसी और की चीजें तुम्हारी हो जाती है। वो एक सॉन्ग है ना, आज से मेरा सब तुम्हारा हो गया और आज से तुम्हारा सब हमारा हो गया, ऐसे कुछ गाना है ना, मिलता जुलता सारा। वैवाहिक जीवन में सुख है तो सब कुछ है, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं तो नरकतुल्य लगता है। आज धनिया के कुछ बीज आपके वैवाहिक जीवन में सुख बोने का काम करेंगे। तुम्हारी शादीशुदा जीवन में अगर सुख नहीं है तो आज धनिया के कुछ बीज उसमें आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आज धनिया के कुछ थोड़े से बीज आपके अपनी लाइफ में सुख समृद्धि ही नहीं, धन और वैभव ही नहीं, आपके अपने पार्टनर का प्यार बढ़ाने में साबित होंगे अच्छे रूप में। अगर आपका पार्टनर रूठ गया है, परेशान करता है, दुखी करता है, आपके तालमेल अच्छे नहीं बनते, आपका आपस का संवाद ठीक नहीं है, आपस का द्वेष बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक उलझनों की वजह से आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, कारण अनेक होंगे, निवारण एक होगा, धनिया के कुछ बीज। धनिया के बीज मतलब सूखी धनिया की बात कर रहा हूं। सूखी धनिया के कुछ बीज आपके जीवन में पूरी तरह से सुख ला सकते हैं, आपका जीवन बेहतरीन हो सकता है। पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है, आपकी वजह से मेरे अंदर इतना बदलाव आया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगा है। जैसा कि आपने बताया कि जल देवता है उन्हें प्रणाम करके पीजिए, मैं वैसा ही कर रही हूँ। और थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव नहीं, तो वो सारी चीज़ें करने से गुरुजी मेरे अंदर काफ़ी चेंज आया है। पहले
तो मैं हर दिन रोया करती थी गुरुजी, लेकिन अब मैंने पूरी तरह से रोना बंद कर दिया है। मैं कितनी भी टेंशन में रहूं तो मैं रोती नहीं हूं गुरुजी। मुझे मालूम है आपका आशीर्वाद मुझ पे सदा है और अभी भी है, इसलिए मेरे अंदर इतना चेंज आया है। मुझे पूरा विश्वास है आप पर और आपकी टीम पर कि मेरा काम जल्द ही हो जाएगा। मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से गुरुजी। बस अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह बनाए रखिए गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको और स्पेशल करे, आपकी लाइफ की हर इच्छाओं को पूरी करे और आपको कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने ही ना पाए, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा शुभ आशीर्वाद। परमात्मा आपको बहुत स्पेशल बनाए। एक बड़े शायर का बड़ा अच्छा शायर याद आ रहा है, ये किसने दिल पर दस्तक दी, वो कौन है, दिल पे किसने दस्तक दी, वो कौन है। आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है, किसने दस्तक दी, वो कौन है। आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है। कहने का सीधा संबंध है कि जब आपका प्रेम सच्चा होता है ना, तो बाहर जाता ही कहां है, आपसे दूर होता ही कहां है, आपसे बिलग और अथक और पृथक होता ही कहां है, आपके साथ होता है, आपके साथ अंतरंग होता है, मन दिमाग बुद्धि चित्त आत्मा सब जगह प्रवेश करता है। वैवाहिक जीवन आपस में परस्पर एक रहने से चलता है। वैवाहिक जीवन नहीं चलने में एक सबसे बड़ा कारण है, आप भविष्य वक्ता बन जाते हो। इसलिए मैंने पिछली बार भी एक बार कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम भविष्य वक्ता बन जाते हो, इसलिए तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलता। कहा भविष्य वक्ता बनते हो, क्या करते हो, जरा समझने की कोशिश करना। तुम ये सोच लेते हो कि सामने वाला ऐसा कह रहा है तो ऐसा ही होगा, मे बी नहीं भी हो सकता है। आप ये नहीं सोचते, हो सकता है कि तुमने जो सोचा है वो सत्य ना हो, पर उसी को सत्य मानकर आप वैसी क्रियाएं करने लगते हो और उस क्रिया की प्रतिक्रिया वैसी आने लग जाती है, तो वैसा हो जाता है। यानी तुम जो चाहते हो वही करवा लेते हो। अब तुमने चाहा क्या, जाने अनजाने तुमने अपना बुरा चाहा और तुमने करा लिया अपनी एक्टिविटीज से। तो साहब, सबसे पहले चिंतन पॉजिटिव करें, सकारात्मक पॉजिटिव करें, सकारात्मक जब आप रहे, जब पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी ना, तो सब चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। आग के चारों तरफ फेरे लेकर के हम सात बार पता है क्या करते हैं, अपनी सातों इंद्रियों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अब हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। जब हम एक हैं तो भिन्नता कहाँ है, ये तुम्हारा वो तुम्हारी, वो मम्मी तुम्हारे वो पापा तुम्हारे, भैया हमारे पापा तुम्हारे, चाचा तुम्हारे, नानी हमारी, हमारा तुम्हारा रहा ही कहाँ, सब कुछ एक दूसरे का हो गया ना। अगर ये भावना पूरी तरह से विद्यमान हो जाए तो ये संभव हो सकता है। आज के उपाय में उस पर बल दिया जा रहा है, आज के उपाय में इस विषय को पूरी तरह से आपके सामने साझा किया जा रहा है। विष्णु पुराण और शंख पुराण वैवस्वत पुराण ये कहती है कि भैया धनिया अपने आप में लक्ष्मी का प्रतीक है, विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग नहीं होते। विष्णु पत्नी शमाम देवी माधवी प्रियवत्तवाम, ये अद्भुत संयोग है, दैवीय संयोग है, आज से आपके सामने साझा कर रहा हूं। सामग्री क्या चाहिए, सामग्री में तुम्हें चाहिए थोड़ी खड़ी हुई धनिया, और उसके बाद वो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनाना चाहते हो अपने साथ, वो सब संभव होगा आपके साथ। करना बहुत सामान्य है, सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। इन उपायों को करने के पहले तुम्हें पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक होगा। एक बार मानो तो कि तुम्हारा सब कुछ है। कदाचित हो सकता है तुम्हारा सवाल हो कि सामने वाला तो नहीं मानता, मैं कैसे मानूं। अरे यही बात हो सकता उधर से भी सोची जा रही हो, कोई तो शुरुआत करेगा ना, वो कोई में कौन आएगा पहले, क्योंकि ददाति प्रतिग्रहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। कौन तो पहले शुरुआत करे, कौन तो पहले दे, पहले तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा, ये सब के लिए है। शुरुआत तो करो एक बार, अपने गुरु की मान कर बात आगे बढ़ो तो सही, तुम फिर देखना तुम्हारे जीवन में सुख बढ़ेगा,
सीधा उपाय को लेकर के चलता हूँ, बहुत सारी बात नहीं करके मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी धनिया चाहिए आज। करना क्या है, बहुत छोटा सा काम, रात में अपना जूठा पानी एक ग्लास में रख दीजिए। क्या करना है, रात्रि में एक ग्लास में अपना जूठा पानी रख दीजिए, उसी जूठे पानी में एक चुटकी धनिया उसमें अपने ऊपर से उतार कर, खड़ी हुई, बी केयरफुल, ध्यान से समझिएगा, खड़ी हुई धनिया अपने ऊपर से उतार कर उस ग्लास में डाल दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। और जब आप प्रातः उठेंगे तो आपको करना क्या है, उस पानी को अपने मुंह में लेकर के फिर से उसी ग्लास में कुल्ला कर देना है। सबसे पहला काम करना है ये, बिना कुल्ला किए, बिना कोई अपना दैनिक नित्य कर्म किए हुए ये काम आपको कर लेना है। उसके बाद उठाकर किसी कांटेदार वृक्ष में डाल दीजिए, आपके ऊपर जो भी आपदा विपदा होगी, आपके ऊपर जो भी संकट मुसीबत होगा, आपके जीवन में जो भी प्रवेश कर रही है बुराइयां, जिस वजह से तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, तुम्हारा आपस का प्रेम खराब हो रहा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये काम आप गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, रविवार के दिन कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी व्यवस्था के साथ उपाय करिए, मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम कर पानी पीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। प्रीवियस लाइफ का विवरण बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है, रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना या निगेटिव थिंकिंग करना, इससे आपके काम नहीं होने की तरफ आप बढ़ चलते हो। ये सब नहीं करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, विश्वास मानो, हमारे यहाँ सब के काम हो रहे हैं। 95% तो मैं सिर्फ तुम्हें कहता हूँ, होते तो 100 ही हैं। जुड़कर रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें अच्छे ख्यालों में, बेहतर विचारों में, सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।